आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे गाइस, तो हम कर रहे हैं चैप्टर 5 जो कि है चैलेंजेस टू एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो इसके अंदर हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वो है कोअलिशंस। ठीक है, तो हम कोअलिशंस देखेंगे क्या होती हैं और कोअलिशंस ने क्या रोल प्ले करा था इस टाइम की पॉलिटिक्स में। सो द इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट टू पिक्चर द फिनोमिनन ऑफ कोअलिशंस। 1967 के जो इलेक्शंस थे, यानी कि हमारे फोर्थ जनरल इलेक्शंस, वहां पे हमें फिनोमिनन देखने को मिला कोअलिशंस का। तो कोअलिशन क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में मिलके जो है एक पार्टी फॉर्म करते हैं, तो वो क्या होती है? कोअलिशन पार्टी। नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजॉरिटी, सो वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज दैट सपोर्टेड द नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स एंड केम टू बी डिस्क्राइब्ड एज द संयुक्त विधायक दल और द SVD गवर्नमेंट्स। तो किसी भी एक पार्टी को तो मेजॉरिटी मिली नहीं थी, तो इसलिए जो बहुत सी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी वो एक साथ आई, ठीक है, और ये नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स को सपोर्ट भी करती थी। एंड इनको क्या बोला जाने लगा? संयुक्त विधायक दल, हिंदी में SVD गवर्नमेंट्स, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस द कोअलिशन पार्टनर्स वर आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट। तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या देखते हैं कि जो कोअलिशन पार्टनर्स होते थे, यानी कि जो साथ में कोअलिशन फॉर्म करते थे, वो आइडियोलॉजिकली इनकॉन्ग्रुएंट होते थे, यानी कि उनकी जो आइडियोलॉजीज थी वो आपस में मैच नहीं करती थी, एकदम एक दूसरे से अलग होती थी। द SVD गवर्नमेंट इन बिहार हैड टू सोशलिस्ट पार्टीज, SSP एंड PSP, अलॉन्ग विद द CPI ऑन द लेफ्ट एंड द जनसंघ ऑन द राइट। SVD गवर्नमेंट, जो संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट थी बिहार के अंदर, वहां पे दो सोशलिस्ट पार्टीज थी, SSP भी थी एंड PSP भी थी, अलॉन्ग विद CPI जो कि लेफ्ट में और जनसंघ जो कि राइट पार्टी थी। पंजाब में इट वॉज कॉल्ड द पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पंजाब में इसको क्या बोलते थे? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट एंड कंप्राइज ऑफ टू राइवल पार्टीज। दो राइवल पार्टीज थी इसके अंदर, अकाली पार्टीज एट द सेम टाइम द संत ग्रुप एंड द मास्टर ग्रुप। संत ग्रुप भी और मास्टर ग्रुप भी विद बोथ द कम्युनिस्ट पार्टीज, दोनों कम्युनिस्ट पार्टीज भी थी इसमें, द SSP भी एंड द रिपब्लिकन पार्टी एंड द भारतीय जनसंघ। तो इन सब ने मिलके कोअलिशन फॉर्म करा, जिसको क्या बोला जाने लगा? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, पंजाब के अंदर, ठीक है। तो गाइस, हमने ये देखा कि एक पार्टी को अपोज करने के लिए जो बाकी पार्टीज थी, जिनकी आइडियोलॉजीज जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती थी, वो साथ में आ गई, क्योंकि उनका मेन मोटो ये था कि हमें कांग्रेस को गवर्नमेंट नहीं फॉर्म करने देनी, ठीक है। तो चाहे वो राइवल्स रहे हों एक दूसरे के पास्ट में, लेकिन तब भी उन्होंने साथ में आके कोअलिशन फॉर्म करी। तो ये थी कोअलिशंस और उन्होंने जो रोल प्ले करा था इस टाइम की पॉलिटिक्स में। थैंक यू गाइस। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।